महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफना दिया है और सत्ता के लालच में कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टियों से हाथ मिला लिया है। ये बातें उन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में दशहरा रैली में कही। बिना उद्धव का नाम लिए शिंदे ने कहा कि आपने अपनी वैचारिक वसीयत के साथ गद्दारी करके बाला साहेब ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल को वो लोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन कर लें और हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को भी गले लगा लें। शिंदे ने कहा कि 2004 से उद्धव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा था। उन्होंने हमेशा ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद ऐसी बातें उड़ाई गईं कि उन्होंने शरद पवार की सलाह पर ये पद स्वीकारा, लेकिन सच ये है कि उद्धव के नाम की सिफारिश लेकर दो लोगों को पवार के पास भेजा गया था। चुनाव के बाद उद्धव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये लोग मुखौटे पहनते हैं और सारे काम मासूम चेहरे के साथ करते हैं। आपने सत्ता के लिए कांग्रेस और समाजवादियों को साथ देकर बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफना दिया है। बालासाहेब ने शिवतीर्थ यानी कि शिवाजी पार्क ग्राउंड से नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब उसी जगह से गर्व से कहो हम कांग्रेसी और समाजवादी हैं जैसे नए नारे दिए जा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जो पार्टियां पहले भाजपा से सवाल करती थीं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कितना समय लगेगा, वो अब शर्मिंदा है, वो अपना मुंह छुपाती फिर रही हैं। अब वो अयोध्या कैसे जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क ग्राउंड में दशहरा रैली में भाग लिया। यहां उन्होंने कहा कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन कट्टर बहुमत वाली एक पार्टी की सरकार की नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार की। जब शासक की कुर्सी स्थायी नहीं होती तो देश मजबूत बनता है। ठाकरे ने कहा कि देश में मिलीजुली सरकार की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके, जैसे मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एक वक्त था जब शिवसेना के संस्थापक और मेरे पिता बालासाहेब ठाकरे कहते थे कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। अब हम पिछले 9 साल से मजबूत सरकार देख रहे हैं। क्या लोगों की परेशानियां खत्म हो गई हैं? सरकार मजबूत होनी चाहिए लेकिन किसी एक पार्टी के बहुमत वाली नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब